हेलो यार, आज हम लोग कुछ सीखेंगे इंटरेस्टिंग टिप और देखेंगे कैसे जो है ये सर्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको समझेंगे और इसको देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं सर्किल में, कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर कोई भी सर्किल, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सर्किल है तो उसके सेंटर पे बना हुआ एंगल, सेंटर पे बना हुआ एंगल वो उसी सेगमेंट से उसके सर्किल पे बने हुए यानी सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। यानी अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ध्यान दो यही सेगमेंट है ना। तो इसी के अगर सेम सेगमेंट है तो जो सर्किल यानी सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं यानी जो एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं उनकी जो वैल्यू होती है सेंटर पे बने हुए वैल्यू की आधी होती है, या ऐसे कहें कि सेंटर पे बना हुआ एंगल इनका डबल होता है यानी 2x। ठीक, दूसरा रूल क्या है, हम जिन दो रूल पे बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं। दूसरा रूल क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं, जिनके सारे वर्टेक्स सर्कल यानी सर्कमफेरेंस पे टच करें। ध्यान दीजिए, जैसे ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब वो कैसे भी बन सकता है, यानी जैसे ऐसे बन गया है ना, ये बन गया ऐसे, ध्यान दीजिए ये बन गया, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है ना। अब तो जो क्योंकि ये दो तीन चार यानी चारों कोने जो हैं उसके सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं, ऐसे उसमें रूल क्या होता है, रूल होता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम, ध्यान दीजिए अपोजिट एंगल्स का सम 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है। ध्यान दीजिएगा, ये और ये यानी एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी ये भी 180 के इक्वल होता है, ये रूल है। इसी रूल को लेते हुए हम इन दो क्वेश्चंस को करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि क्या कर रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई देखिए यहां क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि ये कह रहे हैं कि ए डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए डी बी एक स्ट्रेट लाइन है ऑफ सेंटर ऑफ टू सर्किल हूज सेंटर्स आर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दो सर्किल हैं जिसमें ए डी बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ और पी उसके सेंटर हैं। अगर ये 160 है, अब इसमें 160 ले लो, 150 ले लो, 140 ले लो, कुछ भी ध्यान दो, तो ये अगर 160 है तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, कैसे करेंगे, जो रूल्स हमने बताए हैं वही रूल देखिए, ध्यान दीजिए। हमको मालूम अच्छी तरीके से कि अगर ये 160 है तो सेम सेगमेंट, ध्यान दो देखो ये जो है ऐसे 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 कर लो तो ये सेम सेगमेंट हो गया, इसी से सेंटर पे उसका अगर ये यहां देखो तो ये इसी से बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आधा। ठीक, तो समझ आएंगे नहीं, हाफ हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा।
फिर अगर 80 डिग्री हो गया तो वैसे भी अगर इसको ध्यान दीजिए तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से भाई लीनियर पेयर वाली कंडीशन आ गई कि नहीं, तो उससे ये जो है 100 हो जाएगा। फिर इसको ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर इसको ध्यान दो तो ये जो है ऐसे बनना, अगर इसको हम ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा देते हैं ठीक, तो क्या हो गया कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। डी बी ई, इसको कुछ और कह दो चाहो तो, इसको कह दो एफ कह दो, या सी कह दो, अभी सी नहीं हमने डाला तो कुछ भी कह सकते हो। तो ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या सिस्टम होता है कि उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब 180 के इक्वल होते हैं, उनका सम 180 के इक्वल। तो भैया ये जैसे ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और फिर एक नियम क्या था, एक रूल था कि भैया अगर सेम सेगमेंट है, देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो है सेम सेगमेंट, तो अगर सेम सेगमेंट है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल इसका डबल होता है, ठीक है ना, सेम सेगमेंट है तो ये इस पे बन रहा है, तो यानी ये 80 अगर है तो ये कितना हो गया, इतना ही हो गया, डबल 160। तो इस केस में अगर हम 50-50 ले लें, जैसे 150 लिया, फिर ध्यान दो 150 तो ये 75 माइनस किया ये है ना, तो ये 100, देखो ध्यान दो 105 हो गया, इसको ये आएगा उसका भाई, ये 105 हुआ, फिर वो सप्लीमेंट्री वाला कंडीशन लग जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। यानी हर केस में लगभग ये, देखिए ध्यान दीजिए, हर केस में ये और ये इक्वल बन रहे हैं ठीक। आप 140 ले लो, 140 लिया, 140 जैसे ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, ये 110 तो फिर ये 70, फिर ये, तो ठीक है, यही चीज समझनी। अब इसी तरीके से इधर कुछ है, तो भैया इसमें क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ए ओ बी डायमीटर हो ठीक, और ये 60 डिग्री हो, आप कुछ भी दे सकते हैं उसमें, 60 दे रख सकते हैं, 40 दे रखते हैं, 50 दे रख, कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर ये दे रखा है तो पूछ रहे हैं ए डी ओ, ए डी ओ, ए डी ओ रखना है, ए डी ये एंगल निकालना, ए डी सी ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये एंगल ये निकालना है ए ओ, ए ओ सी, ए ओ सी ठीक है ना, ए ओ सी ऐसे निकालना है यार। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब सामने वाला, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। अगर इसको ध्यान दो तो ये एक साइक्लिक बन रहा है ठीक है ना, ऐसे चारों कोने जो हैं, तो यानी ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 ठीक है ना, हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि इसका और इसका सम 180 के इक्वल होना चाहिए ठीक। अब
भैया जब ये आ गया तो फिर इसको ध्यान दो, अगर ये 60 है तो ये भी 120 हो जाएगा। अब पूछोगे कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये एक आइसोसेलीज वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी कि नहीं, ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 60 है ये 60 है तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये एंगल, इसको ध्यान दीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो अगर उसकी एक साइड को बढ़ाते हैं तो इसका और इसका सम, ठीक है, वो इसके बराबर हो जाता है, ये नियम है। अब पूछो कैसे, तो वो भी समझ लो, ये 180 के इक्वल होता है, इसको पी मान लो, तो ये 180 के इक्वल है, तो और ये 180 के इक्वल है, तो दोनों में पी कॉमन है, यानी ये और ये इक्वल है, तो इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी और ये जो है कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यार इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो अगर बेसिक कंप्लीट होगा तो आपको आसानी से ही क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं। देखो लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे हो, ढंग से तैयारी कर लो, ठीक है ना, उसका फायदा उठाओ, फटाफट कंप्लीट करो क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू।